हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, इसकी जरूर क्यों पढ़ी हमें, हम क्यों पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल। देखिए, जब भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है फॉर अ सिस्टम इन विच वी हैविंग मोर देन टू चार्जेस, राइट? अगर दो चार्ज है तो हम कूलम्स लॉ मार देंगे और सीधे से हमारा इक्वेशन या रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। लेकिन किसी सिस्टम में दो से बहुत ज़्यादा अधिक चार्जेस हैं और आप उसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। देखिए, क्या होता है सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन वर्ड कभी भी आपके सामने आए, भले वो कोई भी थ्योरी हो, उसका मतलब होता है वेक्टर समेशन यानी वेक्टर एडिशन, ठीक है? तो यहाँ पर हम सुपरपोजिशन अप्लाई करने वाले हैं फोर्सेस के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर या इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट चार्ज फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर किसका समेशन होगा, वेक्टर समेशन किसका होगा? तो फोर्सेस का होगा। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए, प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहां पर सपोज हम एक सिस्टम ले लेते हैं, राइट? ये मेरे लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। अब यहां पर मैं डिफरेंट चार्जेस लेने वाला हूं कुछ इस तरह से। देखिए, सपोज ये मेरे लिए चार्ज क्यू वन है, यहां पर मेरे लिए क्यू टू है, ये चार्ज क्यू थ्री है और ये सिस्टम ऑफ एन चार्जेस है। तो सिस्टम ऑफ एन चार्ज है तो इस हिसाब से यहां पर nth नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। आइए इनके पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो इसका पोजीशन वेक्टर r2 होने वाला है, इसका पोजीशन वेक्टर rn होगा, ठीक है। यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर r3 होगा, इसका पोजीशन वेक्टर r1 होने होगा, ठीक है। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ चार्ज इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब देखिए, एक बात तो पता है हमें, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो मान लीजिए अभी इस सिस्टम में सिर्फ दो चार्ज है, तो ये वाला फोर्स Q2 Q1 के ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो मानिए ये जो यहां पर फोर्स आया हमारे पास, राइट? अब ये जो फोर्स है मेरे लिए वो F12 है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज टू, सो दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, राइट? तो ये इसकी डायरेक्शन है। इसी तरह से यहां पर अब देखिए Q1 और Q3 है और ये दो, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो मेरे लिए, सपोज वो फोर्स होगा मेरे लिए F13 इस हिसाब से, ठीक है। इसी तरह करते करते हमारे पास nth चार्ज होगा, तो n चार्ज का आप फोर्स देखेंगे या उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो वो F1N होगा, ठीक है। इस हिसाब से फोर्सेस ये निकल के हमारे सामने आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन क्या है? देखिए, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। तो ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस क्या है हमारे पास? देखिए, फोर्सेस क्या है हमारे पास? तो इट इज एफ वन टू, पहला फोर्स है, फोर्स बिटवीन वन एंड टू, प्लस एफ वन थ्री, दिस इज द फोर्स बिटवीन वन एंड थर्ड चार्ज, एंड सो ऑन अप टू एंथ चार्ज, इट इज एफ वन एन, क्लियर? इस हिसाब से ये हमारा फोर्स निकलेगा, फर्स्ट चार्ज एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, राइट, Q1। देखिए, अब यहां पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो दिस विल बी K Q1 Q2 बाय इट विल बी R21 वेक्टर फॉर्म होल स्क्वायर इनटू R21 कैरेट, राइट, प्लस हियर K Q1 Q3, देखिए Q1 Q3 आएगा, डिवाइड बाय मोड ऑफ R31 होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर आप यहां पे ऐसे लिख दीजिए,
होल स्क्वायर इंटू आर थ्री वन कैरेट, राइट, एंड सो ऑन अप टू एफ एन. सो इट इज के क्यू वन क्यू एन बाय दिस विल बी मोड ऑफ आर एन वन वैक्टर होल क्यूब इंटू आर एन वन कैरेट, राइट. ये फॉर्म निकल कर इसका आएगा, ठीक है. अभी देखो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, राइट. उसे लिखने से पहले मैं इसे रब करूंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. यहां पर ये इसका प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का. देखिए अब इस फॉर्म को, यहां जो रिजल्टेंट फोर्स F1 है, इसे हम और आगे क्या लिख सकते हैं. देखिए इट इज देयरफॉर F1 फोर्स. यहां पर सब जगह कॉमन क्या है, देखिए आप सब में आपको K मिलेगा, ठीक है, और सब में Q1 कॉमन दिखाई दे रहा है. तो मैं यहां पर K Q1 कॉमन लिख लेता हूं, ठीक है, और ब्रैकेट में मुझे क्या फॉर्म मिलेगा, रेस्ट वैल्यू. सो इट इज Q2 बाय मोड ऑफ R21 वेक्टर होल स्क्वायर इंटू R21 कैरेट प्लस हियर इट इज Q3 बाय मोड ऑफ R31 वेक्टर होल स्क्वायर इंटू R31 कैरेट एंड कैरेट, राइट, एंड सो ऑन अप टू दिस इज Qn बाय इट इज मोड ऑफ Rn1 वेक्टर होल स्क्वायर, राइट, इंटू Rn1 कैरेट, राइट. ये वैल्यू मुझे मिलेगी. देखिए अब इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखना चाहता हूं, सपोज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहता हूं F1 के लिए, तो क्या लिखेंगे. देखिए यहां पर n चार्जेस का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखूं तो इट इज के क्यू वन, राइट. सिग्मा फॉर्म लग सकते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है, और अब यहां पर क्या लिखेंगे, दिस विल बी सपोज टू बी द क्यू आई, राइट, अपॉन क्या होगा यहां पर मोड ऑफ इट इज आर आई वन वेक्टर मोड होल स्क्वायर इंटू क्या होगा इंटू इट इज आर आई इंटू वन कैरेट. ये फॉर्म निकलेगा स्टैंडर्ड, वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, एंड हियर आई इज इक्वल टू टू और आई स्टार्ट फ्रॉम टू, राइट. आई इज इक्वल टू वन नहीं लिख सकते, अगर वन लिखेंगे तो यहां पे वन वन हो जाएगा, राइट, वो नहीं होना चाहिए. आप देख सकते हैं कहां से स्टार्ट होता है, R21, R31 and up to Rn1, यानी यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारे लिए, R equal to 1, where I belongs to natural number. तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है. इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट. इसको मैं वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म में ही है ये, पर पोजिशन वेक्टर को एलोबरेट करके लिखे तो क्या लिखेंगे, और दिस विल बी F1 is equal to K Q1, right? Sigma I belongs to N and I is equal to 2, right? Into QI by, यहां पर क्या लिखेंगे, it is mode of R1 minus RI, right? Into this is whole cube into here it is R1 minus RI, right? मैंने क्या किया है, ये कैरेट की वैल्यू रख दी है, इस हिसाब से डिनोमिनेटर में क्यूब आ गया है, ठीक है. ये उसका दूसरा फॉर्म है सुपरपोजिशन का, ठीक है. थैंक यू.